सब गांव वाले को योग के महत्व के बारे में बता देना है। किसके महत्व के बारे में? योग के महत्व। हमारे 5 दिन आने के बाद बहुत कुछ यदि नहीं सीख पाए तो कुछ चीजों को जीवन में उतार लीजिएगा। एक तो शांत रहना, क्या रहना, कम बोलना, और उतना ही बोलना जिस शब्द से किसी को लाभ मिल रहा हो, हानि ना पहुंचे, और झूठ मूड का बकबक करने से कोई फायदा नहीं है। उसके बारे में, इसके बारे में आजकल क्या होता है गांव में, अभी गांव में जाइएगा तो आपके ही गांव में ऐसे 40-50 लोग वैसे बुजुर्ग मिल जाएंगे जो बैठ के झूठ मूड का, मोदी जी ऐसे हैं तो नीतीश जी ऐसे हैं तो लालू जी ऐसे, बेमारे उसके क्या मतलब हो रहा है आपका, वो क्या उससे आपको भोजन चलेगा, आप अपना कर्म को सुधारिए। नहीं, उसके बारे में, इसके बारे में, वो काला है, पाला है, लाल है, उजला है, बेमतलब का। अपने चरित्र के बारे में देखिए कि मैं कैसा हूँ, और मेरे में कहीं बुराई तो नहीं घुस रही है, मैं किसी को शिकायत तो नहीं कर रहा हूँ। चुगली कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? चुगली करना, ये बहुत खतरनाक विषय होता है। आजकल पूरा आदमी चुगली कर रहा है, बस अपने बारे में नहीं, दूसरे तीसरे के बारे में चर्चा कर रहा है, खुद भी बेवकूफ बना, खुद भी पागलपन का शिकार है, खुद भी गलतियों का शिकार है। इसलिए मेरे साथ बोलिए, चोरी, चुगली, बेईमानी, मारा पीटी, नोचा नोची, फैटा फैटी, मुर्गा, दारू, फैनीबिरी, सिगरेट, अंडा, मछली, नहीं खाएंगे हम लोग भगवान कृष्ण के, राम के वंशज हैं, हमारे अंदर भगवान कृष्ण का लग रहा है, 4 दिन से बुखार हुए हैं। बोलिए, हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं, इसलिए भगवान कृष्ण के गरिमा को, उनके प्रतिष्ठा को, उसके मान सम्मान को कभी कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए आज हम लोग सामूहिक संकल्प लेते हैं, प्याज के बाद ये सब नहीं खाएंगे, और बढ़िया बढ़िया चीज मुंह में डालेंगे। भगवान ने मुँह काहे के लिए दिया है? सुअर डालने के लिए, कुत्ता डालने के लिए, मुर्गा डालने के लिए, लाश डालने के लिए। एक और चीज बता दे, अपना भाई बाप मर जाता है, जिस माँ के कोख में 9 महीना हम रहे हैं वो माँ मर जाए और उसको जला करके आते हैं तो घर में नहा के घुसते हैं, कैसे घुसते हैं? नहा के घुसते। अब वो माँ मर जाए तो अकेले जाने में डर रहा है, जिसके कोख में 9 माँ रहे हैं वो पूरा जीवन हमारी सेवा की है, रक्षा की है, वो जब मर जाए तो उसको जला के आते हैं तो नहा धो के घर में घुस रहे। देखिए आदमी का सोच। अब मुर्गा मर जाए तो वो लाश हो गया, खस्सी मर गया, बकरा मर गया, सुअर मर गया तो वो लाश हो गया, और उस लाश को इस शमशान में डाल रहे हैं पेट में, ये कब क्या हो गया, शमशान हो गया, ये कब्रगाह हो गया ये। इसलिए अब वो खा के घूम रहा है पूरे घर में, पूजा पाठ कर रहा है, पूजा घर में जा रहा है, इसलिए मतलब का देखिए कितना हम लोग गिरे हुए इंसान हैं कि माँ बाप मर जाता है उसको छू के आते हैं तो घर में नहा के जा रहे हैं, अब मुर्गा मुर्गी गधा जो मर जाता है उसको पेट में डाल रहे हैं, पूरे घर में घुस रहे हैं, सब कपड़ा लाता छू रहे हैं। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को ऐसे कुकर्मों में ना ढके लिए, भले माँ बाप खा रहा है, गलत काम कर रहा है, देखा देखी कर रहा है, लेकिन अपने बच्चों को तो नहीं खिलाइए। यदि बाप खैनी खा रहा है तो चाहता है कि मेरी बहू खैनी खाए? चाहता है कि मेरी बेटी खैनी खाए, दारू पिए, शराब पिए? उसी प्रकार जब मुर्गा मछली खाने का ऐसा बुरी आदत हो गई है, अपने तो बिगड़ गए, बर्बाद हो गए, अपने बच्चों को ना डालिए ऐसे कुकर्मों में। इसलिए बच्चों को समझाइए कि देखो बेटा ये बुरा चीज है, इससे पाप चढ़ता है, ये हमारे लिए ये घाटे का सौदा है, ये शरीर बर्बाद होता है, हाथ खराब होगा, किडनी खराब होगा, लीवर खराब होगा, हार्ट खराब होगा, दूसरा कुछ ऐसी बीमारी होगी ना डॉक्टर के यहाँ ठीक होगा, ना मंदिर में जा करके माथा पटकने से ठीक होगा, समझ गए, ना दवा से ना दुआ से, वो अपने कर्मों का प्रतिफल भोगते हैं हम लोग। ऐसा कुछ बीमारी देखे गांव में?
ना दवाई ठीक काम करता है ना उसको दुआ काम करता है, फल भोग रहा है वो अपने कर्मों का फल है। इसीलिए अपने कर्म को करते समय सजग होकर के कर्म करना अपने से ज्यादा। भाइये अब हम लोग करेंगे कपालभाति, करिए बार बार हमें आने का मतलब यही है कि आपको हम योग करने का आदत लगा दें। जब खैनी खाने वाला खैनी खाने का आदत पकड़ा सकता है, दारू पीने वाला लोगों में दारू का आदत धरा सकता है, तो योग करने वाला 10 आदमी को योग करने के लिए नहीं आदत पकड़ा देगा, पकड़ाएगा। करिए हम ऐसा चाहते हैं कि आपको बिना योग के आपको मन ना लगे, उठते ही आप योग करने लगे। अरे कपाल बहुत अच्छा चल रहा है सभी का। कपाल भाती जब आप 2-3 महीना लगातार करिएगा तो कपाल भाती एकदम सटीक होने लगेगा, उसमें आप पारंगत हो जाइएगा, आप खुद दूसरों को सिखाने लगिएगा मेरे जैसा। जब दूसरों को आप सिखाने लगे, जो शिक्षक या जो पढ़ने वाला दूसरों को पढ़ाने लगा तो समझिए कि वह ज्ञान का विस्तार कर रहा है। जो जान रहा है और दूसरों को नहीं समझा पा रहा है समझिए कि वो बहुत कष्ट में जीवन जी रहा है। करी अपने जैसा 5 आदमी को बनाइए। कितने आदमी को? अपने जैसा जीवन में 5 आदमी। ऐसा ना कि दारू पे दरबाज मत बनाइएगा, खैनीबाज गंजड़ी मत बनाइएगा, जुगड़ी मत बनाइएगा। इस जीवन में ज्यादा नहीं तो 5 लोगों को खैनी छोड़ा दीजिए, 5 लोगों को दारू छोड़वा दीजिए, 5 लोगों को मीट मछली अंडा छोड़वा दीजिए, 5 लोगों को बुरे कर्मों से बचा दीजिए तो आपका जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, पुण्य के भागी हो जाएंगे। नहीं तो कतनों जिंदगी में करिएगा यहाँ से पाप की गठरी भर के ले जाइएगा, नरक में जन्म ना मिले, भटकेगा इधर उधर, न स्वर्ग में जाएगा न नरक में जाएगा, अटका रहेगा इधर लटका रहेगा। नरक में भी जाता है कुछ हिसाब भर काम करने वाला, मालिक एक हो जाता है ना, पास किया चाहे फेल किया, एक हो गया बेचारा फेल हो गया, नहीं एक एक उसमें ना पासे कर रहे ना फेले कर, लटका हुआ बीच में। इसलिए अपने आत्मा को ना भटकाए और जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होगी कपाल भाति। करिए हमारे बीच में हमारे पीछे बैठे आप ही करिए, करो बाबू कर लिए हैं। अब इसका लाभ सुन लीजिए, एक बात करते रहिए लाभ सुनिए। जिनको है पेट का मोटापा है, पेट की चर्बी है, गैस कब्ज है, शुगर है, इसके बाद थायराइड है, शरीर में गिल्टी गांठ है, करिए खूब मारी जोर जोर से 1 सेकंड में एक बार, इससे ज्यादा नहीं करना है ना कम करना है, 1 सेकंड में मात्र एक ही बार। सावधानी याद रखिएगा, किसी भी गर्भवती माँ बहन को ना करवाएं, पीरियड्स के दौरान मासिक धर्म के दौरान ना करवाएं, पेट या हृदय का ऑपरेशन हुआ तो कपाल भाति का व्यास नहीं करेंगे हम लोग। करिए सब लोग, बीमारी तो बस 1-2 महीने का खेल है, बस 3 महीना करके देखिए। कहा गया है कि जो अखंड रूप से बिना रुके हुए यदि प्राणायाम 9 महीना कर ले तो कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प समझते हैं ना, बदलाव हो जाएगा आपके अंदर में, सब चीज में बदलाव।